हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि BGMI के अंदर हमारा जो नेक्स्ट वाला वाव मोड आने वाला है वो कब तक आएगा एंड किस तरीके का होने वाला है। सो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। और हाँ, आप लोगों का जो यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कवरी इवेंट आने वाला है वो एग्जैक्टली यहाँ पे किसका आने वाला है या फिर आने भी वाला है या फिर नहीं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, एक एक करके आपको बताऊंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना कर पाओ। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। और चलो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं एंड एक एक करके देखते हैं कि हम लोगों की कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाएंगी। वैसे देखो, आपको पता होगा कि अभी जो हम लोगों का डिस्कवरी इवेंट आया था उसके अंदर यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी तगड़े रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, जैसे कि यहाँ पे मटेरियल्स या फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों को कोई सा भी कैरेक्टर मिल जा रहा था। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को इस बार भर भर के मटेरियल्स मिले हैं एंड भर भर के यहाँ पे हम लोगों ने स्पिन भी करा है। तो इस बार यहाँ पे क्या हुआ था कि क्योंकि अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे थे इसलिए यहाँ पे जो लोग यूसी नहीं भी खर्च करते थे वो लोग भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यूसी खर्च किए हैं एंड इससे क्या हुआ है कि क्राफ्ट रन को बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को डिस्कवरी इवेंट देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एंड देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का जो BGMI के अंदर कुछ टाइम पहले एक सर्वे हुआ था जहाँ पे हम लोगों से पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा के साथ अगर कोलैबोरेट होता है तो क्या आप लोगों को पसंद आएगा और आएगा तो कितना आएगा। यहाँ पे 1 to 10 तक आप लोगों को रेटिंग देनी थी। तो यहाँ पे बस समझ लो कि हम लोगों का ये होने वाला है एंड बाकी नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो। बोला गया है कि अभी जो हम लोगों का KGF स्टार जो कि यश है, यानी कि अगर उसके साथ कोलैब होगा तो आप लोग यहाँ पे कितना रेटिंग देना चाहोगे एंड कोलैब होना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे रेटिंग पूछी गई थी। 1 to 10 के अंदर आप लोगों को आंसर करना था। तो देखो यहाँ पे आप लोगों का जो KGF वाले स्टार यश, इनकी तो बात अभी नहीं करूँगी, बट यहाँ पे हम लोगों के जो नीरज चोपड़ा है इनके साथ यहाँ पे हम लोगों का हो सकता है कि कोलैबोरेशन हो। बट अब यहाँ पे ऐसा इसलिए बोल रही क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो नीरज चोपड़ा ने BGMI के साथ कोलैब कर रखा है एंड वॉइस ओवर जो यहाँ पे मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर रखा है जो कि हम लोग का वॉइस पैक होने वाला है BGMI के अंदर जो आने वाला है। सो अब बस ये समझ लो कि हम लोगों का जो कोलैब होगा वो उन्हीं से रिलेटेड होने वाला है एंड डिस्कवरी इवेंट हम लोगों को इस बार फिर से देखने को मिलेगा। एंड मिलेगा तो हम लोगों को KGF वाला ने इस बार हम लोगों को नीरज चोपड़ा के साथ कोलैब करते हुए जो है डिस्कवरी इवेंट देखने को मिलेगा। एंड बाकी देख सकते हो यहाँ पे आपको पता होगा कि काफी सारे अब हम लोगों को मटेरियल्स देखने को मिलती है। एक तो देखो हम लोग यहाँ पे फ्री में भी रिडीम कर सकते हैं ऐसे आके शॉप में से AG करेंसी से, और या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो क्रेट ओपन कर रहे थे तो हम लोगों को काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जा रहे थे। अब क्योंकि इस बार हम लोगों को इतने अच्छे रिवॉर्ड मिले इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने और स्पिन किया एंड देखो अब क्योंकि और स्पिन किया है तो अब हम लोगों को फिर से अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे और बाकी लोग फिर से स्पिन करेंगे तो फिर अब लोग मतलब फिर से BGMI को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को डिस्कवरी इवेंट देखने को मिलेगा 3.1 वर्जन के अंदर जो हम लोगों का नेक्स्ट अपडेट आएगा। BGMI और PUBG मोबाइल वैसे दोनों के अंदर ही हम लोगों को देखने को मिलेगा डिस्कवरी इवेंट। एंड यहाँ पे अब आप लोगों का कुछ न्यू मोड आने वाला है, जैसे कि आपको बताया कि वाव मोड जो आएगा वो वाव मोड हम लोगों का कब तक आएगा उसके रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो पहले देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल गेम या फिर मोड वुड यू बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। तो यहाँ पे आप लोगों से सेलेक्ट करने को बोला गया। तो पहला आप लोग देख सकते हो सेकंड नंबर पे यूजर जनरेटेड कंटेंट, यहाँ पे देख सकते हो UGC आप लोगों को दिख रहा होगा एंड दूसरा है जॉम्बी मोड। तो चलो जॉम्बी मोड तो आप लोगों का बहुत बार आ चुका है गेम के अंदर, इसको अभी रहने देते हैं। अभी यहाँ पे जो UGC मोड है ना, अब यहाँ पे जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है ये एग्जैक्टली में क्या है, चलो अभी इस पे बात करते हैं हम लोग। तो देखो BGMI के अंदर ऑलरेडी ये मोड आ चुका है जो UGC मोड है, ये ऑलरेडी आ चुका है एंड जैसे आप लोग जाओगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। पहले मैं आप लोगों को रैंकिंग के अंदर लेके चलती हूँ। रैंकिंग के अंदर जैसे जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि नीचे में जितने भी प्लेयर है उनके नीचे अगर आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे तो देख सकते हो लिखा हुआ UGC करके एंड यहाँ पे देख सकते हो UGC बैच करके देख सकते हो आप लोगों का लिखा आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का UGC मोड ऑलरेडी आ चुका है बीटा वर्जन के अंदर। अब बीटा वर्जन के अंदर क्योंकि आ चुका है तो हम लोगों को BGMI एंड PUBG मोबाइल के अंदर तो देखने को बिल्कुल मिलेगा ही एंड नेक्स्ट अपडेट में ही मिलेगा, यानी कि 3.1 के अपडेट के ही अंदर मिलेगा। और बाकी देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा नीचे में जैसे ही जाओगे होमलैंड रैंकिंग करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा एंड ये जो होमलैंड रैंकिंग है ना, अगर आप लोग इसमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलते हो एंड यहाँ पे अगर आप लोग टॉप 100 में आते हो 1 to 100 में तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा में भी रिवॉर्ड मिलेंगे
एंड आप लोगों को यहाँ पे ना क्या करना है कि पॉपुलैरिटी आप लोगों को जितनी ज़्यादा मिलती जाएगी उस हिसाब से आप लोगों की यहाँ पे रैंकिंग बढ़ते जाएगी एंड उस हिसाब से आप लोगों को रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। और यहाँ पे आपको पता होगा कि ऐसे अगर आप लोग पूरे सर्वर में आते हो पूरा 1 to 100 रैंकिंग के अंदर तो भी आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो टॉप 1 है ना इसको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे कि इमोट मिल रहा है 7 दिनों के लिए एंड कुछ लॉबी मिल रही है। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से होने वाला है, अब हम लोगों को होमलैंड रैंकिंग के अंदर भी यही कुछ देखने को मिलने वाला है, अब हम लोगों को यहाँ से भी काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो UGC हमारा जो हम लोगों का न्यू मोड आने वाला है एंड वाओ मोड भी बोल सकते हो उसको, वो कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको आना अपनी प्रोफाइल के अंदर एंड इंटर माई होमलैंड करके ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो बस वहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना एंड अपने होमलैंड के अंदर आपको एंटर कर जाना है। अब जैसे ही आप लोग जाओगे यहाँ पे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक पूरा का पूरा आइलैंड देखने को मिलेगा जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। तो देखो यहाँ पे हम लोगों का मैच स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड फिर यहाँ पे आप लोगों को एक टूटा फूटा सा घर दिख रहा होगा आगे में जैसे ही जाओगे तो। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हो लेफ्ट राइट में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिख रहा होगा एंड यहाँ पे आते ही आप लोगों को बोला जाएगा कि अपने हिसाब से अपने आप लोगों को जो अपना एक घर क्रिएट करना है, घर को बनाना है और अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों का इंटर मोड करके लिखा जाएगा एंड जैसे आप लोगों को ये मोड में आप लोग एंटर करोगे फिर यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ हो गया। फिर यहाँ पे फर्नीचर में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप लोगों को डोर हो गया, विंडो हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। फर्नीचर में भी आप लोगों को स्पेशल हो गया लैंटर्न हो गया, उसके बाद बेड हो गया, सीट हो गई, टेबल हो गई, शेल्फ हो गई, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे जो कस्टमाइज़ कर सकते हो, जहाँ आप लोगों को रखना हुआ वहाँ आप लोग रख सकते हो, इनको आप लोग बना सकते हो। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को इनका कुछ आइटम भी दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे तो आपको फ्री में मिला हुआ है। तो देख सकते हो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बढ़ाते जाना है, अपने हिसाब से बनाना है एंड इस तरीके से आप लोगों को जितना भी स्पेस दिख रहा है ना इसके अंदर आप लोगों को बनाना है, अपना होम बनाना है। एंड जैसे ही आप लोग एक बिल्डिंग यहाँ पे तैयार कर लोगे फिर जो दूसरे प्लेयर रहेंगे वो आपको रैंकिंग देंगे एंड अगर उनको पसंद आती है तो फिर आप लोगों को और एक्स्ट्रा में रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना होमलैंड तैयार करना है एंड इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे आके बनाना है ताकि बाकी लोगों को भी पसंद आए एंड आपको भी पसंद आए। एंड देख सकते हो इस तरीके से आप लोगों को काफ़ी ईजिली अपने हिसाब से क्रिएट करते जाना है, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से बनाना है। आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से सारे फर्नीचर्स को एक जगह रख सकते हो, अपने हिसाब से सारा कुछ सोच कर एंड फिर डिज़ाइन कर सकते हो पूरे घर को और इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो पूरा का पूरा घर तैयार करना है एंड फिर अंदर में आप लोगों को जो भी फर्नीचर्स वगैरह पसंद आते हैं उनको वहाँ पे आप लोग अपना प्लेस कर सकते हो जहाँ पे भी करना हुआ। और चलो अभी यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि और एक्स्ट्रा में आप लोगों को फर्नीचर्स कहाँ से मिल सकते हैं एंड इसके अंदर और क्या कुछ आप लोगों को फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो एग्जिट करते हैं इसको एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को वैसे पता होगा कि हम लोग का जो वाओ मोड रहता था उसमें हम लोग खेल सकते थे, बट ये वाओ मोड नहीं है, ये अलग ही कुछ मोड है एंड इसको हम लोगों को BGMI के अंदर देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि कहीं पे भी पबजी मोबाइल या फिर BGMI कुछ का भी लोगो नहीं है तो इस बार यहाँ पे काफ़ी सही चीज़ है। एंड बाकी देख सकते हो नीचे में आओगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा काफ़ी सारे फर्नीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को बेड वगैरह मिल रहा है या फिर सोफ़ा देखने को मिल रहा है एंड दो तरीके के रिवॉर्ड्स है, पहले यहाँ पे हम लोगों को प्रीमियम रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहा है एंड सेकंड में हम लोगों को ना अदर में रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहा है। तो अदर वाले जो रिवॉर्ड्स है ना वो आपको तब मिलेंगे जब आप लोग स्पिन करते जाओगे, मतलब यहाँ पे आप लोगों को मैच खेलना एंड मैच के अंदर टाइम स्पेंड करना है, जितना ज़्यादा आप लोग टाइम स्पेंड करोगे उस हिसाब से आप लोगों को जो रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे एंड मैच के अंदर आप लोग जो स्पिन कर पाओगे, अगर 5 मिनट आप लोग रहोगे मैच के अंदर तो आप लोग 20 टाइम्स यहाँ पे स्पिन कर पाओगे 5-5 करके। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम रिवॉर्ड के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे मेडल्स टाइप के रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं एंड इसको अपने हिसाब से आप लोग जो कस्टमाइज़ करके सजा सकते हो। और ऊपर में देख सकते हो आप लोगों को होमलैंड लूट करके दिख रहा होगा, यानी कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे एंड आप लोगों को ये सारे रिवॉर्ड्स कैसे मिल पाएंगे। तो देख सकते हो आपको बोला जा रहा है स्पेंड करना है 5 या फिर 5 मिनट से ज़्यादा, जिससे आप लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो 20 बार डेली के, मतलब एक दिन के आप लोग 20 बार टोटल मिला के स्पिन कर पाओगे एंड वहीं पर आप लोगों को ये स्पिन कैसे कर पाओगे, मतलब 5 मिनट तक आप लोगों को मैच के अंदर रहना है और जैसे ही 5 मिनट तक रहोगे अपने आप यहाँ पे स्पिन हो जाएगा एंड आप लोगों को कोई सा भी एक रैंडम में रिवॉर्ड मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप लोगों को अपने होमलैंड के अंदर टाइम स्पेंड करना होगा, जितना ज्यादा आप लोग टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आप लोग फर्नीचर कलेक्ट कर पाओगे एंड उतने अच्छे से अपने घर को कस्टमाइज कर पाओगे। वैसे आप लोग बताना आप लोगों को ये फीचर अच्छा लगा या फिर नहीं, मतलब ये जो न्यू मोड हम लोगों का आने वाला है ये आप लोगों को पसंद आया या फिर नहीं आया। वैसे वाओ मोड आता तो ज्यादा मजा आता, बट यही है अब जो भी है यही आने वाला है, बाकी ये
जो आप लोगों को कॉइन्स मिल रहे हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा में रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, या आप लोग जितना अपना मैच खेलते जाओगे उसके बाद आप लोगों को ये सारे रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे जो भी आप लोगों के सामने दिख रहा है। एंड इन्हीं कॉइन्स का यूज़ करके आप लोग बहुत कुछ जो है रिडीम कर सकते हो। तो ये सारे हम लोगों के रिवॉर्ड्स होंगे जो कि हम लोगों को 3.1 वर्जन के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि 3.1 का अपडेट आएगा उसके अंदर मिलेगा। एंड बाकी यहाँ पे जो कोलाब वाला इवेंट आने वाला है, डिस्कवरी इवेंट, आपको क्या लगता है, क्या सही में हम लोगों को काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स इस बार भी मिलेंगे जैसे कि पिछली बार हम लोगों को मटेरियल भर भर के मिल रहा था? और बाकी तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना कर पाओ। सब्सक्राइब करो जल्दी से। और बाकी मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।